हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं सिंधी स्टाइल मटन करी। इसे सिंधी तीवन भी कहा जाता है। मैं आज इसकी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी और आज हम इसे ओपन पॉट में बनाएंगे। बहुत ही डिलिशियस होती है खाने में, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा घी ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े अनियंस। इसे 1-2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें इसे डार्क ब्राउन अभी नहीं करना है, पिंकिश और ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटन। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो मटन लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। बीच में एक बार मैं चेक कर लूँगी। वैसे तो इस डिश को सिंधी बर्तन में बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सुपरी, लेकिन आजकल कहते हैं एल्यूमिनियम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आज मैंने स्टील का यूज़ किया है बर्तन। देखिए ये एकदम ड्राई हो चुका है, सूख चुका है पूरा पानी। उस पॉइंट पर हम डाल देंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा ताज़ा पड़ता है, पिंच ऑफ टर्मरिक, गरम मसाला, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। ट्रेडिशनल रेसिपी है तो मेहनत तो काफ़ी लगेगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा जिंजर, कटे हुए टमाटर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे क्योंकि अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो मसाले जल्दी जलने लगते हैं। हर 2-3 मिनट में हम इसे ओपन करके एक बार घुमा लेंगे। मैं आपके साथ सिंधी मटन करी का एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। ये जो अभी हम स्टेप कर रहे हैं ना, बार बार इसे घुमा रहे हैं 2-3 मिनट में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2-2 मिनट के बाद आप देखेंगे नीचे स्टिक होने लग रहा है मसाला। ये जो मसाला स्टिक हो रहा है ना, इसे जब हम निकालते हैं, स्क्रेप करते हैं, इसी से एक्चुअल मटन की वो रियल टेस्ट आती है। मटन को तब तक हमें भूनना है जब तक प्रॉपर कलर हमें मिल ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 20-25 मिनट मैंने इसे भूना था। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के अकॉर्डिंग। अगर आप राइस के साथ खाने वाले हैं तो ज़्यादा पानी डालिए, और चपाती के साथ खाने वाले हैं तो कम डालिए। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर 40 मिनट्स तक मैं पकाऊंगी। बीच में 1-2 बार मैं चेक कर लूंगी। बेसिकली आपको तब तक पकाना है जब तक मटन एकदम अंदर से पक ना जाए, थोड़ा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए मटन। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेक करते रहिए, 40 के 50 मिनट्स भी लग सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है भूनना, जो हमने अच्छे से कर लिया है, नहीं तो कलर अच्छा आएगा नहीं मटन करी का। ये एकदम तैयार है, कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है, क्योंकि मैं इसे राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ और मैंने चेक कर लिया मटन पक चुका है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे गरम मसाला और कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।